ஆட்டம் வெறி தனமா இருக்கும். स्वागत दोस्तों एक बार फिर से आप अपने सुपर हिट चैनल मूवीज फैन पे। आज हम जानेंगे थलापति विजय की वो तीन बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर मूवी सरकार, मेरसल और बिजल अभी तक हिंदी में क्यों नहीं आई और ये मूवी कब तक आपको हिंदी में देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहली मूवी है बिजल, जो कि 2019 की एक स्पोर्ट एक्शन ड्रामा मूवी है। इस मूवी को 86% गूगल यूजर्स पसंद किया था और IMDb ने 6.7 की बढ़िया रेटिंग दी थी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था अतली कुमार ने, जिनकी एक भी फिल्म अभी तक फ्लॉप नहीं हुई है। और इस मूवी का बजट था 180 करोड़ रुपए और मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था 350 करोड़ रुपए के लगभग। मूवी ब्लॉकबस्टर रही। इस मूवी के लेट कास्ट में आपको देखने को मिले थे विजय, नयनतारा, जैकी श्रॉफ और वेनिका एक्टर। इस मूवी में थलापति विजय फुटबॉल कोच की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। इस मूवी में वो आपको तीन अलग अलग रोल करते हुए दिखाई देंगे। तो फिल्म ब्लॉकबस्टर है। ये मूवी आपको हिंदी में 2021 नवंबर तक देखने को मिल जाएगी। अगली मूवी है सरकार, जो कि 2018 की एक सुपरहिट एक्शन थ्रिलर मूवी थी। इस मूवी को 86% गूगल यूजर्स पसंद किया था और IMDb ने 6.8 की बढ़िया रेटिंग दी थी। बात करें मूवी के डायरेक्टर की, तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था AR मुर्गोदास ने, जो कि साउथ इंडस्ट्री के सुपरहिट डायरेक्टर माने जाते हैं और उनकी ज़्यादातर फिल्में सुपरहिट ही होती हैं। बात करें मूवी के बजट की, तो इस मूवी का बजट था 110 करोड़ रुपये और मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था 250 करोड़ रुपये के लगभग, मतलब मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। बात करें मूवी के लीड कास्ट की, तो इस मूवी के लीड कास्ट में आपको देखने को मिलेंगे थलापति विजय, कीर्ति सुरेश, योगी बाबू, बारा लक्ष्मी और वेनिका एक्टर। इस मूवी के हिंदी डबिंग राइट स्टार गोल्ड के पास है और जल्द ही ये मूवी आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी स्टार गोल्ड के चैनल पर। अगली मूवी है मेरसल, जो कि 2017 की एक सुपरहिट एक्शन रोमांटिक मूवी थी। इस मूवी को 87% गूगल यूजर्स पसंद किया था और IMDb ने 7.6 की सुपरहिट रेटिंग दी थी। ये मूवी थलापति विजय की मोस्ट अवेटिंग मूवी है और इस मूवी को फैंस बेसब्री से हिंदी में डब होने का इंतजार कर रहे हैं। ये मूवी विवादों के चलते अभी तक हिंदी में डब नहीं हो पाई है। बात करें इस मूवी के डायरेक्टर की, तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था अतली कुमार ने, जो कि सुपरहिट डायरेक्टर माने जाते हैं और उनकी कोई भी फिल्म फ्लॉप नहीं होती। बात करें मूवी के लीड कास्ट की, तो इस मूवी के लीड कास्ट में आपको देखने को मिलेंगे थलापति विजय, नित्या मेनन, समांथा, काजल अग्रवाल, सत्यराज और वेनिका एक्टर। बात करें इस मूवी के बजट की, तो इस मूवी का बजट था 150 करोड़ रुपए के लगभग और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था 250 करोड़ से ऊपर, मतलब मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। इस मूवी के डबिंग राइट स्टार गोल्ड के पास हैं और कुछ इशू के कारण ये मूवी अभी तक हिंदी में नहीं रिलीज हो पाई है। जैसे ये मूवी हिंदी में रिलीज होगी, सबसे पहले और सबसे तेज हम आपको अपने चैनल पर अपडेट दे देंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में एंड करते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए इन तीनों मूवी में सबसे ज़्यादा मूवी आपको कौन सी पसंद है। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और वीडियो को लाइक करते हैं। धन्यवाद।